वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त दोस्त मेंटर और बहुत बहुत आपका ग्रैंड वेलकम करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यह आपकी रीजनिंग की क्लास है और जैसा कि आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि हमारे जो SSC ने 2023 में जो कैलेंडर जारी किया था, 2024 में होने वाले SSC के जो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट थे, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, GD हो, MTS हो या सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके जो फॉर्म है वो फिल किए जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस चीज को देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सिलेक्शन पोस्ट का आप फॉर्म डालें और रीजनिंग में जो आपका डेटा होता है सिलेक्शन पोस्ट के लिए, चाहे CGL के लिए, वो मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। और एक बैच जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैंक अचीवर बैच के नाम से, जिसमें हम रीजनिंग का स्पेशल सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग में आपको प्री वाला सेक्शन है प्लस जो आपका मेंस, दोनों का आपका यहां डेटा चलने वाला है रीजनिंग में। जैसे कि आपकी एक ऑफलाइन क्लास होती है, उसी तरीके से आपकी ये ऑनलाइन क्लास होगी, उसी तरीके से डेटा आपको मिलेगा जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है। और रीजनिंग स्पेशल बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इनसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो उनको बताइए और वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिससे ज्यादा लोगों को इनका फायदा पहुंचे। चलिए, आज का जो टॉपिक मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ रीजनिंग स्पेशल बैच, मतलब रैंक अचीवर बैच में, जिसमें एक टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ 18-17 फेब को, जो हालांकि कैंसिल हो गया यूपी कांस्टेबल का, उस यूपी कांस्टेबल के बैच में जो एग्जाम हुआ उसमें यहां से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन लॉजिकल वेन डायग्राम से पूछे गए। वही अगर हम बात करें अभी जो एग्जाम आपके चल रहे हैं किसके, जीडी के, जो एसएससी जीडी 2023 का जो निकला था उसके जो एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी आपके कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम के। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लेने जा रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में बोला जाता है तार्किक वेन आरेख। अब जैसे टॉपिक पर चलने से पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करें कि कैसे ये बैच आपका कंटिन्यू होगा, कैसे ये बैच आप पढ़ेंगे और हर टॉपिक आप कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये जो टॉपिक है, ये जो बैच है, वो आपका होने वाला है 0 to 0 बैच। मतलब अगर आप 0 से स्टार्ट करें और उसमें रीजनिंग में आप कैसे हीरो बन सकते हैं, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो वो बैच आपका होने वाला है। और रीजनिंग में जो टेंशन है आप बिल्कुल तरीके से छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ हूं प्रॉपर तरीके से, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और डेफिनेट रीजनिंग सेक्शन आपका उसी तरीके से होगा जैसा कि आपका जो ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है, उसी तरीके से आपका बैच ये चलेगा। और ये जो क्लास है आपको प्रत्येक सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और साथ के साथ जो स्कॉलर स्टडी का जो ऐप है, स्कॉलर स्टडी सेंटर के नाम से जो ऐप है हमारा, उस पर आपको ये देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और देखें टॉपिक में हम कैसे कैसे आगे मूव करेंगे। देखिए, जैसे कि अगर हम लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करें, लॉजिकल वेन डायग्राम, और ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, मतलब बायलिंगुअल आपका ये बैच चलेगा, और बायलिंगुअल जो बैच चलेगा उसमें हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, दोनों के लिए चीजें आपके सामने रहेंगी। जैसे लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में बोला जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि तार्किक वेन आरेख। देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपोर्टेंस क्या है हमारे सिलेक्शन के लिए। देखिए, जैसे कि अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहली चीज यहां से आपके, जैसा कि अभी रिसेंटली ट्रेंड में देखा जा रहा है, उसकी अगर बात करें तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम SSC पैटर्न के बेसिस पर बात करें तो SSC में यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हमें एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब इतने मार्क्स का, इतने क्वेश्चन के साथ पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन जो SSC में पूछा जाता है वो कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का।
अगर दो नंबर का एक क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन पूछे जाए तो चार नंबर हमारे एक ही टॉपिक से आने वाले हैं, और वो टॉपिक है हमारा कौन सा लॉजिकल बैंक डायग्राम। अब हमें पढ़ना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी टॉपिक के बेसिक पार्ट की। किसकी बात करेंगे कि उसका बेसिक क्या है, मतलब उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक। और बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन को करने का क्या होता है, दूसरा उस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या है, दैट मींस हम जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, प्लस उसके आपके पीवाई क्यूज क्या है, मतलब जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से अब पूछे गए हैं, उसके बाद अभी तक अपडेटेड पार्ट क्या चल रहा है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेसिक से चीजों को लेकर चलेंगे और बेसिक से हम लास्ट वहां छोड़ेंगे जहां आपका प्रॉपर जो टॉपिक लगभग कवर करेगा आपके सभी एग्जाम, और लगभग सभी एग्जाम को कवर करते हुए हम किसी एक टॉपिक को यहां लेकर चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लॉजिकल वेन डायग्राम को और बात करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम हमें कितने तरीके का पढ़ना होता है। दोस्तों आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जनरली, और वो क्वेश्चन आता है कि बताइए, जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चन मेल फीमेल नर्स, मतलब पुरुष महिला और नर्स का तार्किक वैनारिक क्या होगा। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा मेल फीमेल डॉक्टर, मतलब पुरुष महिला और डॉक्टर का तार्किक वैनारिक क्या होगा। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जैसे कि फादर मतलब पिता, उसके बाद सन मतलब पुत्र, और मेल मतलब पुरुष का जो तार्किक वैनारिक है वो क्या बनेगा। एक क्वेश्चन हमारे इस तरीके को देखने को मिलता है लॉजिकल वेन डायग्राम। दूसरा कैसा आता है, दूसरा आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इस तरीके के कोई डायग्राम एक बनाया गया और इस डायग्राम में कुछ मार्किंग कर दी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और बोला गया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक चीज को, ये भी किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनते हैं दो तरीके के, एक तो हाउ मेनी, एक विच पार्ट का, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, और एक रिसेंटली कुछ समय से एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है डीआई के बेसिस पर। तो अगर हम बात करें लॉजिकल वेन डायग्राम हमारा तीन तरीके का एग्जाम में आता है, कौन कौन सा जरा ध्यान दीजिएगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो पेन पेपर लेकर बैठे और साथ के साथ नोट करें चीजों को और समझें ढंग से, और आपकी सारी रीजनिंग की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं गारंटेड देता हूं यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल बेसिक से कोई रीजनिंग स्पेशल क्लास है चलेगा और प्रॉपर तरीके से चीजें आपके सामने आएंगी। देखिए वो भी पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक होता है जिसको बोलते हैं हम बेस्ड ऑन वर्ड्स, जैसे कि मैंने फादर सन और मेल का जो क्वेश्चन लिखा था वो किसके अनुसार था, बेस्ड अपॉन वर्ड्स, मतलब शब्दों के आधारित। जो तार्किक वैनारिक होता है किसके आधारित होता है, शब्दों के आधारित। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं बेस्ड ऑन फिगर, दैट मीन्स जिसको बोला जाता है आकृति के आधारित तार्किक वैनारिक। तो दो तरीके का तार्किक वैनारिक अभी हम देख चुके हैं, पहला होता है जिसको बोलते हैं बेस्ड अपॉन वर्ड्स मतलब शब्दों के आधारित, दूसरा होता है बेस्ड अपॉन फिगर मतलब आकृतियों के आधारित, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं बेस्ड ऑन, जिसको बोला जाता है बेस्ड ऑन डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, जो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, मतलब आंकड़ों के आधारित। हमारा तीन तरीके का लॉजिकल वेन डायग्राम चलता है जिसको हम एलबीडी के नाम से भी जानते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम वर्ड्स के बेसिस पर मतलब शब्दों के आधारित, एक होता है जो आपका किसके बेसिस पर होता है फिगर मतलब आकृति के आधारित, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम आंकड़ों के आधारित। अब जैसे अगर हम यहां बात करें तो ये फर्दर हमारा क्वेश्चन दो तरीके का डिवाइड होता है,
एक होता है क्वेश्चन किसका, इसमें क्वेश्चन पूछा जाए अगर नंबर के बेसिस पर है, किसके बेसिस पर है, इफ नंबर आर गिवन, मतलब यदि फिगर में मतलब चित्र में क्या दिए गए, संख्या दी गई है, संख्या दी गई है तो हमारा क्या चलता है, तो एक होता है क्वेश्चन किसका, हाउ मैनी का, किसका होता है, हाउ मैनी, जिसको बोला जाता है कितने। दूसरा होता है क्वेश्चन किसका, विच पार्ट, मतलब कौन सा भाग। और ये दो तरीके का आपका चलता है, एक तो होता है कि कितने व्यक्ति मतलब कितने पर्सन, हाउ मेनी पर्सन मतलब कितने व्यक्ति, और दूसरा होता है विच पार्ट मतलब कौन सा भाग। और लगभग इतने तरीके का लॉजिकल वेन डायग्राम हमें यहाँ पढ़ना। चलिए जरा इसको नोट करिए और उसके बाद फिर हम आज का सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो किसके आधारित होगा, बेस्ड ऑन वर्ड्स। नोट करिए जरा इसको। नोट कर चुके होंगे, हटाते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला पार्ट हम लेकर चल रहे हैं जिसको बोलते हैं बेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों के आधार। ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो देखो एक क्वेश्चन बनता है यहां, क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट विल बी द लॉजिकल वेन डायग्राम ऑफ ऑफ गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों का, दिए गए शब्दों का तार्किक वैन आरेख क्या होगा। देखिए दिए गए शब्दों का तार्किक वैन आरेख क्या होगा। अब जैसे एक शब्द दे रखा है, जैसे पहला दे रखा है क्या के टाई शर्ट, कौन सा दे रखा है, एक दे रखा है टाई, दूसरा शर्ट और तीसरा पैंट, कौन सा पैंट। ठीक, ये हमें दे रखा है, मतलब टाई शर्ट और पैंट। ठीक, अब एक दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे इसको मैं यही लिखता हूं एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन दे रखा है मेल फीमेल और जैसे ले ले जाए टीचर, मतलब पुरुष महिला और अध्यापक। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रहा, जब कभी भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अब मैं जरा बेसिक चीजें स्टार्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए हमें कम से कम दो चीजों का विशेषकर ध्यान रखना होगा, कौन सा, एक है स्टेप वन, कौन सा है स्टेप वन। अब ये स्टेप वन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए, स्टेप वन कहता है कि फाइंड
आउट द रिलेशन बिटवीन गिवन वर्ड. मतलब दिए गए शब्दों के बीच में, दिए गए शब्दों के बीच में संबंध निकालना. क्या निकालना? कि दिए गए शब्दों के बीच में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? हम संबंध निकालेंगे. अब संबंध कैसे निकालेंगे? संबंध याद निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या, जैसे कि वर्डिंग क्या होगी कि क्या टाई जो है वो शर्ट है. दैट मींस क्या जो टाई है वो शर्ट है, तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं, टाई जो है वो शर्ट नहीं है. दूसरा, क्या जो टाई पैंट है, नहीं टाई पैंट नहीं है. क्या शर्ट जो है पैंट है, तो यहां भी रिलेशन आया कि नहीं शर्ट पैंट नहीं है. क्या पैंट शर्ट है, नहीं है. क्या शर्ट टाई है, नहीं. तो दैट मींस अगर हम टाई शर्ट और पैंट की बात करें तो हमें यहां से एक चीज मालूम पड़ी कि टाई और शर्ट के बीच में जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो किसका रिलेशन आ रहा है? रिलेशन आ रहा है हमारा किसका? नो का. तो अगर रिलेशन हमारा दो तरीके का या तो निकल सकता है, अगर रिलेशन नो का है मतलब नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे कि जो भी वर्ड है उनके सर्किल को क्या कर देंगे? अलग अलग रख देंगे. जैसे कि यहां टाई का एक सर्किल होगा कौन सा? जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं कि टाई का एक सर्किल होगा कि ये टाई का सर्किल है. उसके बाद अगर हम बात करें शर्ट के लिए, तो शर्ट के लिए क्या होगा? एक अलग सर्किल होगा और मतलब व्रत होगा, और पैंट के लिए एक अलग व्रत होगा. तो अगर यहां से देखा जाए कि टाई शर्ट और पैंट, इसका अगर लॉजिकल वेन डायग्राम देखा जाए तो वो क्या बन के आएगा? वो बन के आएगा ये वाला, कि ये जो फिगर है वो किसका है? टाई शर्ट और पैंट का. और यही क्या हो जाएगा आंसर. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक. कि अगर रिलेशन या तो बन सकता है या नहीं बन सकता. अगर रिलेशन नहीं बनना तो हम क्या करेंगे? उनको अलग अलग रख देंगे. लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. अब जैसे अगर हम बात करें, एक काम करिए, इसको जरा नोट करिए और इसको फिर मैं लिखता हूं. चलिए, नोट कर चुके होंगे. मैं इस वाले क्वेश्चन को हटा देता हूं. अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है, क्या जो मेल हैं, एक मिनट, क्या जो मेल हैं वो फीमेल हैं? मालूम पड़ा नहीं. क्या रिलेशन बनना है? हमने रिलेशन निकालने की कोशिश की कि क्या मेल फीमेल है. रिलेशन क्या बनना है? नहीं, मेल फीमेल नहीं. और मेल फीमेल नहीं है या और फीमेल भी क्या नहीं है? मेल नहीं है. तो हमने क्या बनाया कि ये मेल का डायग्राम और ये किसका डायग्राम है? फीमेल का डायग्राम. और मेल और फीमेल क्या है? एक साथ नहीं आ सकते. अब उसके बाद क्या मेल टीचर है? हाँ, मेल टीचर होते हैं. अब हमारा जो रिलेशन बना वो किसका बना? तो रिलेशन बना हमारा किसका कि अगर हमारा रिलेशन निकल के आता है, यस, ठीक, हमारा रिलेशन बनना है. अगर रिलेशन बनता है तो हम देखेंगे कि रिलेशन जो है वो कितना है, मतलब रिलेशन कितना है, हाउ मैनी, रिलेशन कितना है. अब रिलेशन कितना है, अगर हम इसको निकालने जाए तो हमें मालूम पड़ेगा, या तो ऐसा होगा कि सारे के सारे मेल कैंडिडेट क्या होंगे? टीचर होंगे. या क्या होगा? सारे के सारे टीचर जो है वो क्या होंगे? मेल कैंडिडेट. या ऐसा होगा कि कुछ मेल जो है वो टीचर होंगे, मतलब कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो अध्यापक हैं. या ऐसा होगा कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो क्या है? पुरुष है. तो रिलेशन बनेगा या तो ऑल का, मतलब सभी का, और या रिलेशन बनेगा किसका? कुछ का, दैट मींस सम का. अब रिलेशन अगर सभी का बनना है
तो हमारा जो डायग्राम बनता है वो किस तरीके का, इस तरीके का, और अगर रिलेशन कुछ का बनना है तो डायग्राम हमारा किस तरीके का होगा, इस तरीके का। अब जैसे यहां से देखें कि मेल जो है अध्यापक हैं, अगर आप केवल इतना देखते हैं तो ये क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। यहां से आपको देखना है कि ठीक है मेल अध्यापक हैं, लेकिन कितने मेल ऐसे हैं जो अध्यापक हैं, तो कितने मेल अध्यापक हैं, क्या सारे के सारे मेल अध्यापक हैं, तो नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जरूरी नहीं है जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे क्या हो, अध्यापक हो। तो दैट मीन्स कितना होगा रिलेशन, सम का, किसका रिलेशन बनेगा, सम का। क्या फीमेल अध्यापक हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन कितने, वो भी सम, ठीक। कितने टीचर ऐसे हैं जो मेल हैं, सम, और कितने टीचर ऐसे हैं जो फीमेल है, रिलेशन किसका बना, सम का। अब अगर ये डायग्राम बनना है तो हमारा डायग्राम क्या बन के आएगा, डायग्राम क्या होगा कि कुछ मेल ऐसे हैं जो टीचर हैं, कुछ फीमेल ऐसी हैं जो टीचर हैं, जो सुनो, कुछ मेल क्या हैं, टीचर, कुछ फीमेल क्या हैं, टीचर। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट वो पार्ट है जो थर्ड जेंडर हमारा एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, डेट मीन जिसको हम बोलते हैं ट्रांस जेंडर। तो अगर हम बात करें कि कुछ मेल क्या है टीचर, कुछ फीमेल क्या है टीचर, समझ में आया या नहीं है, क्लियर हो गया, क्लियर है सबको, चले। तो अगर हम बात करें तो जब अगर रिलेशन बनेगा तो रिलेशन बनने के लिए हमें देखना पड़ेगा कितना रिलेशन है, अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो हम अलग अलग रख देंगे, लेकिन अगर बन रहा है तो हमें देखना पड़ेगा क्या सभी का रिलेशन है या कुछ का रिलेशन है। होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये होता है हमारा स्टेप टू। स्टेप टू क्या कहता है कि या तो रिलेशन बने नहीं बनेगा या रिलेशन बनेगा, अगर बनेगा तो कितना बनेगा, नहीं बनेगा तो मतलब पूरा का पूरा नहीं बनेगा। और ये दो स्टेप अगर हम लॉजिकल वेन डायग्राम कर रहे हैं तो दोस्तों चाहे इसको आप ट्रिक कहें चाहे इसको कंसेप्ट कहें, ये दो स्टेप आपको देखने ही पड़ेंगे अगर 100% आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल के लेकर आना है। चलिए जरा नोट करिए, चले नोट कर चुके होंगे। और हम बात करते हैं दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन की, तो लिखिए जरा पहला क्वेश्चन। जैसे कि अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन पोटैटो एनिमल वेजिटेबल्स, ठीक है, दैट मीन्स आलू, ठीक, पशु या जानवर, और वेजिटेबल मतलब सब्जियां। एक अभी ये उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें पूछा गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए ये भी उसी में पूछा गया क्वेश्चन है, और वो है आपका इंडिया, गुजरात, सूरत, दैट मीन्स भारत, गुजरात, और सूरत। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, जैसे कि फादर, फादर, सन एंड मेल, ठीक, मतलब हिंदी में बात करें तो पुरुष, पिता, पुत्र और पुरुष। अब ये तीन क्वेश्चन है आपके सामने, आप जरा इस पर कार्रवाई करके आप इसको क्वेश्चन बनाकर कमेंट में जरा मुझे बताइए कि इनका आंसर क्या क्या होगा, बना के बताइए। और आपके पास है मात्र 1 मिनट, 1 मिनट का समय है,
और 1 मिनट के अंदर जरा इनका आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही आए हैं, जरा चेक करिएगा अपने आंसरों को, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले बात करें हम आलू, पशु और सब्जी, मतलब पोटैटो, एनिमल और वेजिटेबल्स। अगर हम इसकी बात करते हैं पोटैटो, एनिमल एंड वेजिटेबल, तो मुझे बताइए क्या आलू पशु है? सीधा सीधा हमें आंसर मिलेगा कि नहीं, आलू पशु नहीं है और पशु भी क्या नहीं है, आलू नहीं है। एक साइड नहीं देख सकते, देखते बेटा दोनों साइड हमेशा देखेंगे। उसके बाद क्या पोटैटो वेजिटेबल है? बिल्कुल, पोटैटो क्या है? वेजिटेबल। अब मैंने बोला था क्या कि अगर रिलेशन बनेगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि रिलेशन कितना बन रहा है। क्या सभी आलू जो हैं वो सब्जी हैं या कुछ आलू सब्जी हैं? तो सीधा सीधा हमें मालूम पड़ रहा है क्या कि कुछ आलू जो है वो क्या है, सब्जी है, मतलब सम का केस हमें मालूम पड़ रहा है। क्या कुछ सब्जियां कितनी आलू हैं? तो हमें मालूम पड़ेगा, सॉरी जितने भी मतलब आलू हैं वो क्या हैं, सब्जियां हैं, लेकिन कुछ सब्जियां हैं जो क्या हैं, आलू हैं, क्योंकि सब्जी में केवल आलू ही नहीं रहता। उसके बाद अगर हम पशु की बात करें तो क्या पशु एनिमल, जो एनिमल जो है वो वेजिटेबल होंगे? नहीं, एनिमल वेजिटेबल नहीं होंगे। तो सिंपल सा डायग्राम क्या बन गया कि एनिमल का जो डायग्राम है वो अलग रहेगा, उसके बाद जो पोटैटो है वो सारा का सारा किसके अंदर चला जाएगा, वेजिटेबल के अंदर, और ये वाला जो डायग्राम है ये क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है? सो सिंपल, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप 1 नंबर यहां से गेन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना प्यार आपका मिलेगा उतना ही ज्यादा हम चीजों को लेकर आएंगे और उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर और बेहतर चीजें होती रहेंगी। चलिए अब अगर बात करें हम कि इंडिया, गुजरात और सूरत। देखिए हम एक चीज जानते हैं, सूरत किसका हिस्सा है? गुजरात का। किसका हिस्सा है? गुजरात का। भाई सूरत किसका पार्ट है? गुजरात का। और सूरत अगर गुजरात का पार्ट है तो कितना पार्ट है, सारा का सारा या कुछ? ऐसा हो सकता है कि नहीं जी, कुछ सूरत ऐसा है, हम गुजरात के अंदर नहीं जाएंगे, हम तो कहीं और जाएंगे। लेकिन सूरत जो पूरा का पूरा किसका हिस्सा है? गुजरात का। कौन सा स्टेट में आता है? गुजरात में। तो ये किसका हो गया? ऑल का। क्या गुजरात इंडिया का पार्ट है या नहीं? पूरा का पूरा, बिल्कुल गुजरात पूरा का पूरा किसका पार्ट है? इंडिया का, मतलब भारत का। ठीक, तो सारा का सारा पार्ट है। तो यहां से हमारा जो डायग्राम बनकर आएगा वो क्या बन के आएगा कि जितना भी सूरत है वो सारा का सारा किसका पार्ट है? गुजरात का। और गुजरात सारा का सारा किसका पार्ट है? इंडिया का। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? बताओ समझ में आया या नहीं? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को नॉर्मली ज्यादातर सब गलत कर देते हैं। देखिए डायग्राम को सही बना लेंगे, डायग्राम क्या बनाएंगे कि सन क्या होगा, छोटी एंटिटी, उसके बाद क्या होगा, फादर, उसके बाद क्या होगा, मेन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन ये डायग्राम अगर आप लिखते हो तो गलत है, लेकिन अगर इस यहां से इसको मिटा दिया जाए, जैसे कि अगर आपने यहां से एस को मिटा दिया, यहां से एफ को मिटा दिया, यहां से एम को मिटा दिया और सीधा सीधा डायग्राम क्या बना दिया, ये, अब ये डायग्राम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर सन जो है वो फादर के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे बताइए क्या फादर सन होते हैं? हम जानते हैं कि हाँ फादर जो है वो सन है, लेकिन कितने? अगर हम, मैंने बोला ना कि आप अगर यस का आंसर निकल कर आता है तो आप देखोगे कितने फादर सन है। तो कितने फादर ऐसे हैं जो सन है? तो हमें मालूम पड़ेगा सारे के सारे फादर क्या हैं, सन है। भाई ऐसा कोई पिता है जो पुत्र ना हो? वो पहले पुत्र था फिर बाद में क्या बना है, पिता। लेकिन पुत्र हमेशा रहेगा और पिता वो बाद में बना है। जैसे उसने जन्म लिया तो वो किसी का पुत्र है, लेकिन जब उसकी शादी हुई और जब उसके बच्चे हुए तो डेट मीन्स वो क्या हुआ, पिता बना। तो मतलब क्या हुआ कि फादर बाद में बना लेकिन पहले कौन था, पुत्र था। तो सभी फादर क्या है, पुत्र। और कितने पुत्र ऐसे हैं जो पिता हैं? अब आंसर आ रहा होगा आपके दिमाग में सारे के सारे, नहीं।
देखिए कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादी नहीं होती लेकिन पुत्र होते हैं लेकिन पिता नहीं होते, तो रिलेशन किसका होगा बेटा? सन का। तो वास्तव में अगर हम बात करें कि फादर की एंटिटी अंदर आएगी और सन की एंटिटी कहां आएगी? बाहर। अब उसके बाद जो फादर है वो मेल है बिल्कुल, कितने? पूरे के पूरे। क्या सन जो है वो मेल है? बिल्कुल पूरे के पूरे। तो दैट मीन्स मेल की कंडीशन कहां जाएगी? बाहर। तो ये क्या हो गया इसका आंसर? देखिए आंसर वही है लेकिन यहां से अगर बात करें कि सन का जो सर्किल है वो बाहर होगा लेकिन फादर का सर्किल कहां होगा? अंदर। और पहले क्या था? सन का सर्किल अंदर था और फादर का सर्किल कहां था? बाहर। क्लियर हुआ या नहीं? चले मेरे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। दोस्तों चैप्टर को एंजॉय करिए, चैप्टर को सीखिए और इजी बेसिस पर देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस उतना लगाने की जरूरत नहीं है जितना मैं कह रहा हूं। अगर इतना आप करते गए तो गारंटी देता हूं मैं कि आपको ऐसा समय में फेल नहीं होने दूंगा और डेफिनेट आपके जो मार्क्स हैं वो 48 से 50 मार्क्स आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम में। और अगर ये आप बैच पूरा देखते हैं जो रीजनिंग स्पेशल का है तो एसएससी बेस्ड जो होने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वो किसी का भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे कैट का एग्जाम हो, मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, ये गारंटी। तो अगर चीजें मैं इतना विश्वास के साथ बोल रहा हूं तो आप भी विश्वास के साथ पूरा जुड़िए और बेहतर तरीके से चीजों को देखिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया हमें फादर चाइल्ड मेल, मतलब पिता बच्चा और पुरुष। और जरा मुझे बताइए इसका डायग्राम, फादर चाइल्ड मेल पहला, बी है इसका ऑप्शन कि फादर मेल चाइल्ड, सी ऑप्शन है के फादर मेल एंड चाइल्ड, और डी ऑप्शन है के फादर चाइल्ड एंड मेल। बताइए जरा आपका ऑप्शन कौन सा होगा, जरा कमेंट करके मुझे बताइए कि ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक, देखिए देखते हैं इस चीज को, मुझे बताइए क्या फादर बच्चे होते हैं? बिल्कुल दिमाग में चल रहा होगा सर बच्चे होते हैं फादर, किसी ना किसी के तो बच्चे ही है ना, और जब किसी ना किसी के बच्चे हैं तो फादर बच्चे होते हैं, और कितने फादर बच्चे होते हैं? सारे के सारे। बिल्कुल गलत। चाइल्ड जो होता है वो एक अवस्था तक होता है, एक एज के अनुसार होता है, और चाइल्ड क्या है? एक एज है। ठीक, लेकिन एक टाइम पर क्या होता है कि व्यक्ति वयस्क होता है। ठीक, वयस्क होने के बाद फिर क्या होता है? मैच्योर होता है पूरी तरीके से, और मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है? वो बूढ़ा होता है और मर जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि चाइल्ड क्या है? एक अवस्था है, लेकिन जो सन है वो क्या है? एक रिलेशन। हम कहते हैं कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ लेकिन क्या हुआ? मेल हुआ या फीमेल हुआ? तो हम कहते हैं कि मेल बच्चा पैदा हुआ। तो चाइल्ड जो है वो दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। चाइल्ड क्या करता है? मतलब जो बच्चा है वो दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, वो मेल भी होता है और वो फीमेल भी होता है। अगर वो ऐसा है तो हमें एक चीज मालूम पड़ेगी कि चाइल्ड अगर किसी के अंदर दे रखा है, मतलब मेल के अंदर पूरा पूरा, तो वो क्या होगा? गलत। तो ए गलत और कौन सा? डी गलत, क्योंकि चाइल्ड पूरा का पूरा किसके अंदर है? मेल के अंदर। दूसरा, अब हमें एक चीज मालूम है, चाइल्ड जो है कनेक्ट तो है किससे? मेल से, लेकिन क्या चाइल्ड फादर होता है? नहीं, फादर कभी भी चाइल्ड नहीं होता। अगर वो फादर है तो अब वो बच्चा नहीं है, वो बेटा हो सकता है लेकिन बच्चा नहीं होगा। तो फादर क्या नहीं होता बेटा? चाइल्ड नहीं होता। और चाइल्ड क्या नहीं होता? वो फादर नहीं होता। ठीक, चाइल्ड क्या नहीं होगा? वो फादर नहीं होगा। तो दैट मीन्स इन दोनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, और अलग अलग डायग्राम हमारा किसमें बनना है? सी में, और बी आपका ऑप्शन नहीं होगा, और आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप क्वेश्चन करिए। चलिए जरा इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात करी बेस्ड अपॉन
वर्ड्स, मतलब शब्दों के आधारित तार्किक बना रहे हैं, उसको हमें कैसे करना है, क्या दो स्टेप होते हैं उसके बारे में बात करें। इसके कुछ क्वेश्चन में लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेस्ड अपॉन फिगर के बेसिस पर, और धीरे धीरे करके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लिए एक सीट आपके सामने आएगी जो आपके लॉजिकल वेन डायग्राम के बेसिस पर होगी, जो क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस कराऊंगा पीवाईक्यूज के रिलेटेड, जिसमें आपके 2020 के बाद आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं 2023-24 तक जो रिसेंटली एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके रखे होंगे और जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। डेफिनेट आप इस बैच के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि रीजनिंग स्पेशल बैच अब यूट्यूब पर स्टार्ट हो चुका है, पूरी तरीके से फ्री है। और आप अगर सिलेक्शन पोस्ट और CGL या किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, इनफैक्ट यूपी पुलिस की तैयारी जो आने वाले एग्जाम में दोबारा होने वाला है उसकी तैयारी, रेलवे की जैसी वैकेंसी आने वाली है उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये रीजनिंग स्पेशल बैच जो रैंक अचीवर बैच है ये पूरा का पूरा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको बेहतर कंटेंट के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ ये आपका बैच पूरा कराया जाएगा। चलिए तो मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं बहुत जल्द आपसे कल की क्लास में 8:00 बने रहिए मेरे साथ, लगे रहिए अपनी तैयारी में और अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर लीजिएगा आपको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।